अपने सभी लीग मुकाबलों में धमाकेदार प्रदर्शन कर इंडियन टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लीग स्टेज में 9 मैच में 9 जीत के साथ अब बारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की। जहां इंडियन टीम पिछली बार का हिसाब चुकता करने मैदान पर उतरेगी 15 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले से पहले इंडियन टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने टीम की रणनीति को लेकर बात की है। दरअसल इंडियन टीम लीग स्टेज खत्म होने के बाद पहले नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि न्यूजीलैंड ने चौथे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे में 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीम्स आपस में भिड़ने वाली है। इस मैच को लेकर कुलदीप ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। कुलदीप यादव ने कहा, वानखेड़े के मैदान पर बॉलिंग करना हमेशा मुश्किल भरा होता है, यहाँ काफ़ी उछाल होती है जिसका फायदा बल्लेबाजों को मिलता है। ऐसे में हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शुरुआती ओवर्स में ही कुछ विकेट्स निकालने होंगे ताकि हम विरोधी टीम पर हावी हो सकें। कुलदीप ने आगे कहा, वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल को बीते 4 साल हो चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब से हमने कई बायलेटरल सीरीज खेली है। इंडियन कंडीशन से दोनों टीम्स भली भांति परिचित हैं, लेकिन हमारी तैयारी काफी अच्छी है। हमने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन खेल दिखाया और सेमीफाइनल में भी इसे बरकरार रखने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, तब भी एमएस धोनी की रनआउट होती वो तस्वीर आज भी फैंस के जहन में है। भारतीय टीम उस सेमीफाइनल को हार गई थी और टीम इंडिया का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया था, लेकिन इस बार उम्मीद कम है कि भारतीय टीम ऐसी गलती दोहराएगी, क्योंकि इस बार जिस कमाल की फॉर्म में टीम इंडिया रहते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची है, उसके बाद न्यूजीलैंड पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि वो भारतीय टीम से कैसे निपटेगी। हालांकि ये कोई नहीं कह रहा, ना कोई कह सकता कि वो मैच एक तरफा होगा और सेमीफाइनल में भारतीय टीम एक तरफा रहते हुए आगे निकल जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम निश्चित तौर पर जिस तरीके की है तो कड़ी टक्कर देगी, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन इस वक्त बाकी सभी टीमों से बेहतर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि इंडियन टीम सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल में पहुँच कर 19 नवंबर के दिन भारत में एक बार फिर से विश्व कप की ट्रॉफी लेकर आए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अभी हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, अभी सिर्फ लीग मुकाबले जीते हैं, अभी सेमीफाइनल जीतना है, फिर फाइनल जीतना है और 2011 के बाद एक बार फिर से विश्व कप की ट्रॉफी हमारे घर में होगी। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी रविराज ने। अगर आपको क्रिकेट से जुड़े और भी वीडियोज़ चाहिए तो हमारे चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, किस्से, कहानी, इंटरव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स, शुक्रिया। ज़िंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।